नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेके न्यूज पर। बात करें यूपी पंचायत चुनाव 2020 की, तो बहुत बड़ी खबर आ रही है कि 1 लाख से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों को मिलेगा शहरी दर्जा। जी हां, आपको बता दें कि राज्य सरकार 1 लाख से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों या फिर नगर पंचायतों को नगर पालिका परिषद बनाकर शहरी दर्जा देने जा रही है। इसके साथ ही 20,000 से अधिक आबादी वाले ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाएगा। यही नहीं, नगर विकास विभाग को 31 दिसंबर तक इसके लिए मोहलत मिल गई है। जनगणना काम इसके बाद शुरू होने की संभावना है। इसके बाद नई निकायों का गठन और सीमा विस्तार का काम रोक दिया जाएगा। राज्य सरकार बड़े गांवों और आबादी वाले क्षेत्रों में बेहतर नागरिक सुविधाएं देना चाहती है। इसके लिए इन्हें नगर पंचायत या फिर नगर पालिका परिषद बनाने का काम किया जाना है। नगर विकास विभाग ने सीमा विस्तार व नई निकायों के गठन का काम शुरू किया है, लेकिन जनगणना की तैयारियों के चलते इसे रोक दिया गया है। जनगणना का काम 31 दिसंबर तक नहीं होना है, इसीलिए नगर विकास विभाग चाहता है कि कई नगर पंचायतें व नगर पालिका परिषद बनाने का काम किया जाए। और भी बता दें आपको कि ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत की चुनाव को लेकर इसमें दुविधा हो सकती है, लेकिन नगर विकास विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि चुनाव तक इनके चिन्हीकरण का काम किया जाएगा और इस पर आपत्तियां और सुझाव मांगने का भी काम किया जाएगा। ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत चुनाव के बाद इसकी अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग से जल्द ही जल्द राय ले ली जाएगी, जिससे चुनाव के दौरान किसी तरह की कोई भी असुविधा ना हो। तो इस प्रकार से आपको जानकारी दी गई कि बहुत सारे ऐसे गांव जिनकी जनसंख्या ज्यादा है वो शहरी जनजीवन में तब्दील कर दिए जाएंगे। तो बहुत बड़ी खबर है यूपी पंचायत चुनाव को लेकर के। आशा करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा, और यदि पुराने हैं बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।